सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। राशिफल पंचांग में आपका स्वागत है। 10 जुलाई से 16 जुलाई के साप्ताहिक राशिफल में बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों पर ग्रह नक्षत्र का कैसा प्रभाव रहेगा। इस नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है 10 जुलाई सोमवार अष्टमी तिथि से और सावन का पहला सोमवार व्रत है। 10 जुलाई को रेवती नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। वही मंगलवार द्वितीय मंगला गौरी व्रत है और 4 योग का प्रभाव रहेगा, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग और धृति योग। साथ ही भरणी नक्षत्र भी शाम 7:04 के बाद से प्रारंभ हो रहा है। 12 जुलाई को एकादशी तिथि है। 13 जुलाई को कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र है, एकादशी कामिका एकादशी है। 14 जुलाई को बुध देव उदित हो रहे हैं कर्क राशि में, साथ ही इस दिन त्रयोदशी तिथि भी है और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, साथ में प्रदोष व्रत भी है। 15 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि है और 16 जुलाई को चतुर्दशी तिथि है, कर्क संक्रांति है, क्योंकि सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बना रहे हैं। सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव इस नए सप्ताह में रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं राशिफल के बारे में। मेष राशि वालों, चंद्रमा आपके राशि में बहुत ही शुभ स्थिति में है। जॉब में पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और प्रमोशन में कई रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। चंद्रमा के शुभ स्थिति के कारण व्यवसाय में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लाल और पीला रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, शनिदेव आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति में है। कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और व्यवसाय में कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, योग बन रहा है। सफेद और आसमानी रंग आपके लिए शुभ है। वृषभ राशि वालों, आईटी बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए प्रगति की संभावनाएं बन रही हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, चंद्रमा आपके राशि में शुभ स्थिति में है। व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। लंबे समय से अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ था तो वह भी मिलने की संभावना बन रही है। रुके हुए कोई भी सरकारी कार्य आपके पूर्ण होंगे इस सप्ताह में। लाल और हरा रंग आपके लिए शुभ है। कर्क राशि वालों, राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। जॉब में प्रमोशन को लेकर आप प्रयास करेंगे और सहकर्मियों का, अधिकारियों का सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा। वहीं स्टूडेंट्स को इस नए सप्ताह में सफलता मिल सकती है। व्यवसाय में लाभ होगा। लाल और पीला रंग आपके लिए शुभ है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, ये समय आपके लिए सूर्य और चंद्रमा के शुभ प्रभाव से व्यवसाय में विशेष प्रगति मिल सकती है। शनि के सप्तम भाव में गोचर करने से जो लोग राजनीति से या प्रशासन से या मीडिया से जुड़े क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। और इस नए सप्ताह में पीला और नारंगी रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए बुध और मंगल का गोचर बहुत ही लाभप्रद रहेगा। जॉब में स्थिति बेहतर होगी। धन का आगमन होगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। धार्मिक यात्रा हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। नीला और हरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों, चंद्रमा की स्थिति और शनि की स्थिति बहुत ही शुभ है, क्योंकि चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में है और शनि पंचम भाव में है। जॉब को लेकर कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, कोई सुअवसर आपको मिल सकता है और चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव से आपको व्यापार में, व्यवसाय में लाभ होगा। तुला राशि वालों, व्यवसाय में मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है। धन का आगमन होगा। हरा और बैंगनी रंग आपके लिए शुभ है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में है। व्यवसाय में थोड़ा सा ये समय संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन बाद में सफलता भी आपको मिलेगी। चंद्रमा और शनि की स्थिति आपके राशि में शुभ है, जिसके कारण जॉब में प्रगति मिलने के योग बन रहे हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लाल और नारंगी रंग आपके लिए शुभ है। धनुराशि,
धनराशि वालों, गुरु और चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति में नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। व्यवसाय में आपको विस्तार हो सकता है, व्यापार बढ़ सकता है, बिजनेस प्रोजेक्ट, नया बिजनेस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, राजनीति से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही पीला हरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों, चंद्र शनि आपके राशि के द्वितीय और चंद्रमा आपके राशि के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे नौकरी में व्यवसाय में उन्नति आपको प्रदान करेंगे और गृह निर्माण संबंधी कोई विशेष कार्य आपका पूरा हो सकता है। मंगल और चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही भागदौड़ वाला समय रहेगा, धैर्य में की कमी देखने को मिल सकती है। मकर राशि वालों, आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद और आसमानी है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जॉब में आपको सफलता मिलेगी, गृह निर्माण से संबंधित कार्य आपके प्रारंभ हो सकते हैं। ये 7 दिन आपके लिए सूर्य का गोचर पतिक कार्यों में आपको लाभ प्रदान करेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला और नारंगी रहने वाला है। मीन राशि, मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने से बचें। जो मीन राशि के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, लाभान्वित होंगे, शिक्षा में प्रगति हो सकती है। रियल एस्टेट का अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। नारंगी और पीला रंग आपके लिए शुभ है। 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु आप रुद्राभिषेक जरूर करें, भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें, उनको बेलपत्र जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आप जल में थोड़ा अक्षत डालकर और भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है या कोई भी विषय विघ्न बाधा आपके जीवन में किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आ रही है, कोई काम आपका रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, या कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। ओम त्र्यंबकम यजामहीम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव वंदनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप आप जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाएंगी। साथ ही मंगला गौरी व्रत है 11 जुलाई को, इसलिए जो विवाहित महिलाएं हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए और घर में सुख समृद्धि शांति के लिए आप मंगला गौरी की पूजा जरूर करें। मंगलवार के दिन गौरी यानी माता पार्वती की पूजा जरूर करें भगवान शिव के साथ, तो इससे आपको लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।